हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। गुड मॉर्निंग गाइस, दिख रहा है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सुपर 10 सीरीज। सुपर 10 सीरीज में आज हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का ऑलमोस्ट फर्स्ट टॉपिक। न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं तो उसके बाद हम क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रैवल होता है, इम्पल्स ट्रैवल होती है। थोड़ा सा अगेन केमिस्ट्री यहाँ पर यूज हो रही है, सो लेट अस स्टार्ट बेटा। इसके लिए यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। मैं ये बिलीव करके चल रही हूँ कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एग्जॉन होते हैं, देन एग्जॉन एंडिंग होती है। तो हेयर आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो हम डायरेक्टली ट्रांसमिशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस बिलीव बेटा दैट दिस वन इज एग्जॉन। मैंने न्यूरॉन को बेटा लिटा दिया। वैसे तो न्यूरॉन ऐसे होता है, देखो है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं इस न्यूरॉन को ऐसे लिटा दूं, है ना, पहले ऐसे था, अब बेटा इसको ऐसे कर दिया, हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। सो आपको क्या इमेजिन करना है, दैट दिस इज द एग्जॉन और ये एग्जॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म है, जिसको आप क्या बोलोगे, एक्सोप्लाज्म। और ये बेटा एग्जॉन की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बेटा क्या बोलोगे, एक्सोलेमा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी बेटा जी एक्सोलेमा। ठीक है, बीच का ये जो मटेरियल है इसको आप क्या बोल दोगे, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब जब बेटा न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, एट रेस्टिंग स्टेज। मैं तीन स्टेजेस बताऊंगी बेटा जी आपको। एट रेस्टिंग स्टेज क्या सीन चल रहा है सेल के अंदर, सेल के अंदर ये एक्सोप्लाज्म। एट रेस्टिंग स्टेज बेटा inside the cell there is more concentration of negatively charged proteins and potassium ions. कौन कौन सी चीजें ज्यादा है at resting stage बेटा, अंदर वाली साइड potassium ions है and और क्या है, negatively charged proteins। ये सब चीजें कहां पर है, resting stage पर। बाहर क्या है, extra cellular fluid में क्या है, outside the cell there is more concentration of सोडियम आयन। ये रेस्ट कर रहा है अभी सेल, कोई स्टिमुलस नहीं आया, कुछ ट्रैवल करने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इस स्टेज पे बेटा इनसाइड द सेल देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, बाहर बेटा सोडियम आयन ज्यादा है। अब आप खुद सोच के देखो कि अंदर वाली साइड चार्ज कौन सा होगा, नेट चार्ज, और बाहर वाली साइड कौन सा चार्ज होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर वाली साइड बेटा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो यार बाहर वाली साइड नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और अंदर वाली साइड बेटा नेट चार्ज क्या होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। समझ रहे हो, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं। अब इस टाइम पे जब हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस टाइम जब हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से मेजर करने की कोशिश करी कि कितना पोटेंशियल है रेस्टिंग स्टेज पर, कितना पोटेंशियल है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, द वैल्यू इज -70 मिलीवोल्ट्स। सो रेस्टिंग स्टेज पे जो पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल आया वो कितना आया, -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, ये इतना आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेल के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज सेल के अंदर आएगा पोटेंशियल भी बेटा उसके आगे भी वही साइन आएगा। ठीक है, एंड दिस स्टेज द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड। इस स्टेज पे बेटा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, पोलराइज्ड। अभी रेस्टिंग स्टेज की ही बात करेंगे। अब रेस्टिंग स्टेज पे ना कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट है जो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा याद रखना है, लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं। इन लीकी चैनल्स के द्वारा क्या हो रहा था, मैं दोबारा बना रही हूँ एक्सोलेमा। ठीक है, इन लीकी चैनल्स के द्वारा बेटा लीकेज हो रही थी, है ना, सिंपल सी बात है, लीकेज हो रही थी। सोडियम जो बाहर था वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पोटेशियम बेटा जो अंदर था वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। एवरीवन पे अटेंशन दैट दिस इज हैपनिंग थ्रू लीकी चैनल्स, नॉट वोल्टेज गेटेड चैनल। अभी वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुले हैं क्योंकि वो बंद होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस आने पे ही खुलते हैं, ऐसे नहीं खुलते। लेकिन लीकी चैनल्स हर वक्त ओपन होते हैं। तो बेटा सोडियम बाहर था वो अंदर लीक कर रहा था, पोटेशियम अंदर था वो बाहर लीक कर रहा था, गड़बड़ कर रहे थे ये तो, है ना। हमें तो कितना चाहिए, -70 चाहिए। तो रेस्टिंग स्टेज पर ही इस गड़बड़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या चलता है,
इस गड़बड़ को प्रिवेंट करने के लिए बेटा चलता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप किसको यूज करता है बेटा? एटीपी को यूज करता है। एक एटीपी को जब यूज करता है ना, तो बेटा तीन सोडियम बाहर फेंकेगा, इट विल थ्रो थ्री सोडियम्स आउटसाइड एंड इट विल टेक इन टू पोटेशियम इनसाइड। समझ रहे हो? सो सोडियम पोटेशियम पंप चला ताकि बेटा ये जो लीक करके सोडियम अंदर आ रहा है वो वापस जाए, तीन सोडियम बाहर, ये जो लीक करके पोटेशियम बाहर जा रहा है वो पोटेशियम को हम क्या ले ले, वापस अंदर ले ले। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज पर क्या क्या चीजें हो रही है? रेस्टिंग स्टेज पे बेटा पहले तो ये हालत थी कि सोडियम बाहर ज्यादा अंदर पोटेशियम। दूसरी चीज बेटा कि लीकेज चल रही थी थ्रू लीकी चैनल्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ किसके थ्रू चल रही थी, लीकी चैनल्स जो कि हर वक्त खुले होते हैं। तो इस लीकेज की गड़बड़ी को प्रिवेंट करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर क्या चला दिया है, सोडियम पोटेशियम पंप चला दिया। इज दिस क्लियर? अब क्या हुआ, अब होगा बेटा स्टिमुलस आएगा। यस, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी स्टिमुलस। आप इमेजिन करिए, दिस इज अगेन योर एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अंदर कौन सा चार्ज हमारा चल रहा था बेटा? अंदर था नेगेटिव चार्ज, है ना, अभी रेस्टिंग स्टेज पे। बाहर क्या था? पॉजिटिव, बस इतना बना। दिस वॉज द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज मतलब कौन सी स्टेज बेटा? पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब यहां पर क्या आया? स्टिमुलस आया। स्टिमुलस भी हर लेवल का स्टिमुलस काम नहीं करता, देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टिमुलस जो इस चीज को आगे बढ़ा पाए। एंड उस स्टिमुलस को बेटा, जो मैसेज को, जो इम्पल्स को आगे भेज सकती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। फॉर अ न्यूरॉन थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस इज, हाँ जी, कौन सा स्टिमुलस आया? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आया। कितनी वैल्यू का आया बेटा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आया बेटा -55 से लेकर -60 मिलीवोल्ट्स तक का। ठीक है, -55 से लेकर -60 मिलीवोल्ट्स। थ्रेश, देखिए न्यूरॉन जो होता है ना, इट फॉलोज ऑल और नन फिनोमिना। अगर स्टिमुलस वैल्यू, थ्रेशहोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस आएगा तभी बात आगे बढ़ेगी। अगर हल्का सा भी कम हुआ तो बेटा इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दैट इम्पल्स। ठीक है, ऑल और नन, या तो पूरा करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा आधा अधूरा नहीं करेंगे। सो मान लीजिए स्टिमुलस आया थ्रेशहोल्ड वैल्यू का, इस स्टिमुलस के आने की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल दे विल ओपन। लीकी चैनल नहीं है, अब कौन से चैनल ओपन हो रहे हैं बेटा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या हुआ बेटा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से बेटा देयर इज गोइंग टू बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम अंदर आया तो कौन सा चार्ज आ गया? अगर सोडियम अंदर आएगा बेटा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर अंदर वाली साइड आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, है ना। बाहर वाली साइड क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली नेगेटिव। एंड इस टाइम पे बेटा जी, इस टाइम पे हम बोलेंगे कि अब रेस्टिंग पोटेंशियल से आप आ गए हो एक्शन पोटेंशियल। नर्व इज एक्चुअली फायर्ड, है ना, इसको क्या बोलोगे तुम? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। एंड इस टाइम पे बेटा ये अगर पोलराइज थी मेम्ब्रेन, यहां पर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी बेटा मेम्ब्रेन? डीपोलराइज्ड। क्लियर? सो स्टिमुलस के आने पर चार्जेस उल्टे हो गए, आप देख ही रहे हो चार्जेस क्या हो गए बेटा, उल्टे हो गए। पहले बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, पहले बाहर सोडियम आयन ज्यादा थे, अब अंदर सोडियम आयन ज्यादा है। ठीक, अब बेटा धीरे धीरे ये स्टिमुलस अगली साइड पे जाएगा, है ना, ट्रैवल होगा, लोकल सर्किट डेवलप होगा। आगे वाली साइड अभी भी पोलराइज्ड है, अब ये बेटा ट्रैवल करके अगली साइड पर जाकर नेक्स्ट एरिया को डीपोलराइज करेगा। लेकिन ये जो पुराना हिस्सा है इसको तो वापस रेस्टिंग स्टेज में लेके आना है, है ना, इसको तो बेटा जी वापस रेस्टिंग स्टेज में लेके आना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा बना रही हूँ। जब ये चीज आगे चली गई, जब ये नेक्स्ट एरिया को डीपोलराइज कर दिए, उस टाइम पर पुराने एरिया में क्या होगा? उस टाइम पे बेटा पुराने एरिया में देयर इज गोइंग टू बी ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। वोल्टेज गेटेड, लीकी नहीं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तो देयर इज गोइंग टू बी बेटा जी ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। हाँ जी, क्या होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन। ठीक है,
इधर सोडियम चैनल ओपन हुए थे, इधर कौन से चैनल ओपन हुए, पोटेशियम चैनल। तो क्या हुआ, इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। क्या हुआ बेटा जी, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। जब इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हुआ तो बाहर कौन सा चार्ज आ गया, खुद सोचिए। जब इफ्लक्स ऑफ बेटा पोटेशियम हुआ तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अंदर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज दिया, तो बाहर वाली साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ आई, दोबारा से देखिए, रेस्टिंग स्टेज पे बाहर सोडियम ज्यादा था, यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है। देन आपने इफ्लक्स करके सोडियम, इनफ्लक्स करके सोडियम को अंदर ले लिया, देन बेटा आपने इफ्लक्स करके पोटेशियम को बाहर ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस स्टेज पर ये बिल्कुल इससे मैच कर दे, क्योंकि हम पोलराइजेशन करा रहे हैं। इस स्टेज को बेटा हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं, बिकॉज हेयर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द डीपोलराइज स्टेट बैक टू द रेस्टिंग स्टेज। हम एक चीज में तो सक्सेसफुल हो गए हैं बेटा, अगर आप ध्यान दोगे रीपोलराइजेशन में, तो जो चार्जेस है वो सेम हो गए, यहाँ पर भी पॉजिटिव था, यहाँ पर भी बाहर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी बाहर नेगेटिव था, यहाँ पर भी अंदर नेगेटिव था, यहाँ पर भी अंदर नेगेटिव है। तो हम चाहते थे कि यार ये बिल्कुल मैच कर जाए, इससे एक चीज तो मैच हो गई है, हमारे चार्जेस मैच हो गए हैं, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई है, कोई ध्यान देगा, क्या गड़बड़ हो गई है, आयन्स की गड़बड़ हो गई है। बाहर कौन सा आयन था पहले, सोडियम, अब बेटा सोडियम अंदर बैठा है। अंदर कौन सा आयन था पहले, पोटेशियम, अब बेटा इफ्लक्स होने के बाद पोटेशियम बाहर बैठा है। तो चार्जेस बैलेंस हो गए लेकिन आयन्स उल्टे हो गए। तो अब आयन्स को सही करने के लिए यहाँ पर इस स्टेज पर क्या चलाएंगे, हम एक पंप चलाएंगे जिसको आप जान चुके हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, जो जब चलेगा तो तीन सोडियम बेटा बाहर थ्रो करेगा एंड दो पोटेशियम अंदर लेगा। ये बिना एनर्जी के नहीं चलता है, इट इज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। क्या यूज करेगा बेटा, एटीपी यूज करके, थ्री सोडियम आउट टू पोटेशियम इन। तो जब इस तरीके से ये पंप चलेगा तो बाहर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सोडियम का, अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा, पोटेशियम का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नाउ द मेम्ब्रेन इज रीपोलराइज्ड, ठीक है, नाउ द मेम्ब्रेन इज रीपोलराइज्ड, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में बेटा मूव दोनों कर रहे थे। ध्यान दीजिए, रेस्टिंग स्टेज पर लीकी चैनल से भी मूव कर रहे थे, तो हमें सोडियम पोटेशियम पंप चलाना पड़ा था, वैसे रीपोलराइजेशन की स्टेज पर भी वी हैव टू ब्रिंग दिस सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्वेश्चन आता है कि रेस्टिंग स्टेज पर तुम्हारे दोनों लीक कर रहे हैं, लेकिन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है, सो बेटा मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू, इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। ये सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि रेस्टिंग स्टेज पे ज्यादा परमेबिलिटी किसके लिए होती है, दैट इज पोटेशियम आयन। इज दिस क्लियर, यस बताइए बेटा, हाँ जी, कम ऑन गाइस, टेल मी कि रेस्टिंग स्टेज, एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को मैं प्लॉट करूंगी एक ग्राफ में, ठीक, सो लेट अस ड्रॉ दैट ग्राफ। ठीक है, दिस इज 0 millivolts। रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज -70 millivolts। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, -70 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस बेटा जी कितना था, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस था -55 to -60, ठीक है, इतना मिलीवोल्ट्स। जब बेटा इसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिला तो बेटा क्या हुआ, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, है ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए, और किसका इनफ्लक्स हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ। इस स्टेज पे आप मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, इस स्टेज पे बेटा आप मेम्ब्रेन को बोलते हो डीपोलराइज्ड, है ना, डीपोलराइज्ड। और अब सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आ गया, जो एक्शन पोटेंशियल है बेटा वो कितना आया, हम लेके चलेंगे -35 millivolts, +35 to +40 millivolts, पॉजिटिव में चला गया। फिर बेटा इसने जब आगे ट्रांसफर कर दिया तो अब ये रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज होने का मतलब है अब कौन से चैनल्स खुलेंगे, रीपोलराइज होने का मतलब बेटा नाउ
वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल विल ओपन. वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से क्या होगा? ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम. ठीक है, इस स्टेज को बेटा आप क्या बोलोगे? रीपोलराइज स्टेज. यस, होना तो कहां तक चाहिए था? रीपोलराइजेशन होना चाहिए था -70 तक, बट थोड़ी ज्यादा देर के लिए पोटेशियम चैनल खुले रह जाते हैं, थोड़ी ज्यादा देर के लिए. इसी वजह से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे गिर जाता है. कितना तक गिर जाता है? -90 तक गिर जाता है. फिर बेटा सोडियम पोटेशियम पंप इसको यहां पर वापस ले आता है -70 पे. तो ये जो स्टेज आई है ना, जिसमें पोटेशियम चैनल थोड़ी ज्यादा देर के लिए खुले रह गए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे गिर जाए -90 तक, दिस स्टेज इज बेटा कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन. इस स्टेज को क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन. किस वजह से आई? क्योंकि पोटेशियम चैनल थोड़ी देर ज्यादा के लिए खुले रह गए. सिंपल. ये आपका है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. डन? हाँ जी, बताइए सबको डन है? किस तरीके से बेटा यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज थी, देन डीपोलराइज, रीपोलराइज एंड हाइपर पोलराइज स्टेट. आई होप आपको ये वाला सिस्टम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अच्छे से क्लियर होगा. क्योंकि दो तरीके की ट्रांसमिशन होती है, केमिकल जो कि हम साइनैप्स में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल होती है जब एक ही न्यूरॉन के अंदर अंदर ट्रैवल करना है तो किस तरीके से करेंगे. ठीक, साथ ही में बेटा आप मैम के साथ प्लस में जुड़ सकते हो. संजीवनी बैच चल रहा है मेरा, 2022 2023 के तीन बैचेस चल रहे हैं, दो संजीवनी और एक बेटा आप क्या देख रहे हो, विजय भव बैच चल रहा है. दोनों बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग सीप लाइव कोड. क्या बेनिफिट होगा बेटा? बेनिफिट ये होगा कि 10% ऑफ तो मिलना ही मिलना है. साथ ही में बेटा क्या होगा, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द डाउट ग्रुप, यू आर गोइंग टू बी रिसीव ऑल द डीपीपीज, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द पीडीएफ, यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद मी डायरेक्टली. ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज है. इसके अलावा और भी बैचेस है लाइक नीट बैच फॉर बिगिनर, दिशा बैच, एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच, एंथ्यूज बैच. सब बैचेस में बेटा आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड. प्लस के साथ साथ, प्लस के बेनिफिट्स के साथ, अगर आप चाहते हो आपको पर्सनल कोच मिल जाए, स्टडी प्लानर मिल जाए, जो चीजें यहाँ नहीं होती है वो आपको कहाँ मिलती है बेटा? आइकॉनिक में. ये है डिफरेंस ऑफ आइकॉनिक एंड प्लस. मेरे से पूछोगे तो बेस्ट सब्सक्रिप्शन कौन सी है? आइकॉनिक. आज की पीडीएफ, आज के सेशन का सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लिंक ट्री पर. लिंक ट्री का मैं यहाँ पर लिंक दे देती हूँ जहाँ पर आपको सेशन का लिंक और पीडीएफ मिलती है. दैट इज लिंक tr.ee/sip.pahuja. ठीक है, आप ये डालिए, आपको इस सीरीज की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी. ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में शाम को 6 बजे. तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.